जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और मलेशिया के बीच डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने पर सहमति। पाकिस्तान ने टेस्ट करी अपनी शाहीन 2 मिसाइल। भारत और यूक्रेन के बीच गैस टर्बाइन इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने पर बातचीत। 7 सेकंड में 16 ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने वाला भारत का एक नया भारगा वस्त्र। और इसराइल और हमास के बीच सीज फायर प्रपोजल पर जल्द सहमति की उम्मीद। आज मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मलेशियन काउंटरपार्ट के बीच हुए महत्वपूर्ण डिस्कशन में दोनों देशों के लीडर्स भारत और मलेशिया की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए सहमत हुए। और इसी के तहत भारत और मलेशिया कुछ नए क्षेत्र जैसे कि डिजिटलाइजेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सभी क्षेत्रों में अपने बीच की कॉपरेशन को एक्सपेंड करेंगे। और बाकी आपको ध्यान होगा कि पहले भी मलेशिया ने भारत के कई सारे स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिनमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आती हैं। हालांकि मलेशियन पीएम के भारत विजिट से पहले इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके इस विजिट के दौरान भारत और मलेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर भी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया कि दोनों देशों के लीडर्स ने किसी भी स्पेसिफिक डिफेंस प्लेटफॉर्म पर कोई डिस्कशन नहीं किया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि असम पुलिस ने 3 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने त्रिपुरा की तरफ से भारत में घुसने का प्रयास किया था, और इन तीनों की पहचान मोहम्मद अबू सईद, असादुल इस्लाम और मोहम्मद सरवार के तौर पर हुई है। और इनमें से एक के पास तो आधार कार्ड भी था जो कि दूसरी बार भारत में घुस रहा था, और ये तीनों ही लेबर वर्क के लिए चेन्नई की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन तीनों को वापस से बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो जैसा कि कल सोमवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जॉइंट पेट्रोल पार्टी पर ओपन फायर किया था, और इस फायरिंग में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बता दें कि आतंकियों की तलाश के लिए उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन अभी भी जारी है, और जिस जगह पर यह ऑपरेशन हो रहा है वो जंगल वाला एरिया है जहाँ पर रोड्स और नेटवर्क्स प्रॉपर नहीं है, और वहाँ पर कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन भारत की फोर्सेस ड्रोन्स जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से इस थ्रेट को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने पर काम कर रही है। बाकी आतंकियों से याद आया, आज मंगलवार को पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी शाहीन 2 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेनिंग लॉन्च कंडक्ट किया था, और पाकिस्तानी मिलिट्री के मुताबिक ये मिसाइल लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा है, जिसका उद्देश्य था इस मिसाइल के सिस्टम्स के टेक्निकल पैरामीटर्स और परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना। बाकी इस टेस्ट के बारे में कोई और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से शेयर नहीं की गई। बाकी शाहीन 2 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक है। रशियन नेवी के प्रमुख 19 से 22 अगस्त तक भारत के ऑफिशियल विजिट पर हैं, और उनके इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य है भारत और रशिया के बायलेटरल नेवल रिलेशंस को और मजबूत करना। और इसी के तहत कल सोमवार को रशियन नेवी चीफ ने इंडियन नेवी चीफ और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ मीटिंग कंडक्ट करी थी, और रशियन डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक इस विजिट के दौरान जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस और मिलिट्री एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में कॉपरेशन से संबंधित कई अलग अलग इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के ऑफिशियल विजिट पर होंगे, तो इस विजिट से पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं कि यूक्रेन की स्टेट ओन्ड जोरिया मैस प्रोजेक्ट भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के लिए गैस टर्बाइन इंजन्स को भारत में संयुक्त रूप से मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत कर रही हैं, और इसके साथ साथ एरो इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग पर भी डिस्कशन किया जा रहा है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और squadron.in पर जाके इंडियन आर्मी की रेजिमेंट से इंस्पायर्ड नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, और स्पेशल डिस्काउंट के लिए स्पेशल कूपन कोड याद रखें विजय। भारत की सोलर इंडस्ट्रीज ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की मेक 2 कैटेगरी के तहत 2 हाई मोबिलिटी लॉन्ग रेंज प्रिसिशन रॉकेट सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने वाला प्रस्ताव सबमिट किया है, जिसमें 2 खास तरह के रॉकेट सिस्टम्स जिसमें से एक का नाम रखा गया है महेश्वर अस्त्र 1 जिसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर, और दूसरे का नाम है महेश्वर अस्त्र 2 जिसकी रेंज होगी 250 किलोमीटर, तो इनको बनाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज ने भार्गव अस्त्र नाम के एक नए काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी विकसित किया है जो कि 7 सेकंड के अंदर 16 ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और सिस्टम के थ्रू 64 मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकता है, और कंपनी ने इस मैकेनिज्म को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, और वे 2 वर्षों के अंदर इस एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को विकसित कर सकते हैं। और आपको क्लियर कर दें कि ये वही कंपनी है जो कि भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाक के रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी बनी है, और पिछले 10 वर्षों में इस कंपनी ने कई अलग अलग तरह के डिफेंस प्रोडक्ट्स को विकसित किया है जैसे कि HMX, RDX, TNT और कंपाउंड जैसे हाई एनर्जी मटेरियल्स, पिनाक, आकाश, ब्रह्मोस जैसे सिस्टम्स के लिए कंपोजिट प्रोपेलेंट्स, माइंस, मल्टी मोड ग्रेनेड्स, वॉरहेड्स, फ्यूजेस,
इग्नाइटर्स, रॉकेट और मिसाइल इंटीग्रेशन, तो इस तरह के कई अलग अलग प्रोडक्ट्स इस कंपनी द्वारा विकसित किए गए और इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग एम्यूनिशन। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से बताया गया कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर गाजा में सीज फायर डील के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं और अब बारी हमास की है इस एग्रीमेंट पर अपनी सहमति देने की। और अगर हमास की तरफ से भी सीज फायर वाले डील पर सहमति बनती है तो जल्द से जल्द इस सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। और इसलिए अब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस डील पर साइन करने के लिए हमास को आग्रह करने के लिए इजिप्ट और कतर की यात्रा करेंगे और यूएस इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता के साथ सीज फायर पर एक नए सिरे से बातचीत करने के लिए इसराइल भी अपनी तरफ से एक टीम इजिप्ट और कतर भेजेगा। बाकी यूएस की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि सीज फायर वाली जो डील है वो इस सप्ताह साइन की जाएगी। हालांकि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पर अभी इसराइल और हमास की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आने बाकी हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2011 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर रवि फोटेदार ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है, द हेड हंटर्स आर्मी की किस रेजिमेंट का निक नेम है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए। इतिहास का वो भयानक पल जब चीन पर होने वाला था परमाणु हमला, लेकिन कैसे अमेरिका ने बचाया चीन को इस विनाश से, जानिए डीएस अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में, ओनली ऑन द डिफेंस स्क्वाड ऐप। डाउनलोड नाउ।